त्योहारों की सीजन शुरू हो गई है और पूरन पूरी बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। एक बार अगर आप गर्मा गर्म पूरन पूरी घी में डुबो कर खा लोगे ना, तो बार बार यही रेसिपी दोहराओगे, गारंटी है मेरी। इतनी टेस्टी यम्मी लगती है ये पूरन पूरी, हमारे गुजरात की फेमस है ये। गुजरातियों के घर पूरन पूरी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और गुजरातियाँ हमेशा घी में डुबोकर ही इसे एंजॉय करते हैं, बहुत ही मज़ा आती है। तो वही रेसिपी आज हम देखेंगे। ये जो पूरन पूरी है उसे हम ट्रेडिशनल वे में एकदम नए तरीके से आसान वे में मैं आपको बताऊंगी, और वो भी बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है, इजी वे में हम बनाएंगे। हे ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने अरहर की दाल यानी कि तुअर की दाल जिसे बोलते हैं वो ले लिया है। तुअर की दाल हमने यहाँ पे एक कप ली है। कई लोग इसे चने की दाल से भी बनाते हैं, लेकिन हम गुजराती तुअर की दाल से बनाते हैं। तो एक कप तुअर की दाल ली थी, तो उसे अच्छे से वॉश कर लिया दो तीन पानी से। उसके बाद इसके अंदर मैंने दो कप पानी डाल दिया। इसके अंदर ज़्यादा पानी डालोगे तो जब हम पूरन पूरी का पूरन जो है उसे बनाएंगे तो उस समय ज़्यादा लग जाएगा पानी जलाने में, तो इसलिए पानी यहाँ पे आप गिन के ही डालें। तो दो कप पानी डालें, एक कप दाल हो तो दो कप पानी डालें। उसके बाद थोड़ा सा घी डाल दिया मैंने, आधी चम्मच या एक चम्मच के करीब, और उसका मैंने चार विसल ले लिया है। विसल हमें हमेशा मीडियम फ्लेम पर लेना है, हाई फ्लेम पर कभी भी कुक ना करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी दाल लगती है कि गली नहीं है अच्छे से, तो इस स्टेज पर आप उसे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेरी दाल तो अच्छे से गल चुकी है इसलिए मैंने इसे ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये अच्छे से इसी के अंदर हो जाएगी। देखिए अभी मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, आप नॉर्मल कोई भी पैन ले सकते हो, बर्तन ले सकते हो। उसके अंदर दो बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाला है। आप चाहो तो घी कम कर सकते हो, घी की मात्रा आप बड़ा या कम ज़्यादा कर सकते हो आपके अनुसार। तो दो बड़ा चम्मच घी तेल ले लेना है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो हमने दाल कुक की थी वही डाल देनी है। दाल इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा हम चलाएंगे, लगातार हमें चलाना है, और जब भी हमें ये चलाए तो फ्लेम को हमें मीडियम ही रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे कुक करना है। हाई फ्लेम रखेंगे तो नीचे की ओर से ये चिपक जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने जैगरी यूज़ किया है। जैगरी यहाँ पे मैंने डेढ़ कप लिया है। आप चाहो तो इसके अंदर आधी मात्रा शुगर की और आधी मात्रा जैगरी की भी कर सकते हो, या फिर अकेले शुगर से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चून रही है इसके अंदर से काला, लेकिन ये जो जैगरी है उसके अंदर मैं उसे प्रिजर्व करने के लिए लौंग डालती हूँ, ताकि उसके अंदर चीटियाँ वगैरह ना लगे, इसलिए इसके अंदर से मैंने वो लौंग निकाल दिया। देखिए, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे कुक करते जाना है, लगातार चलाते जाना है, ताकि गुड़ जो है अच्छे से इसके अंदर पिघल जाए। उसके बाद गुड़ पिघल जाए तो हम यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। वैसे फ्रेंड ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैं पर्सनली हमेशा मेरे घर पे इसी तरह से बनाती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो। वैसे पूरन पूरी तो सभी बनाते होते हैं, लेकिन सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है, तो एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखिए, आपको मज़ा आने वाली है। देखिए ये जो पूरन है हमारा अच्छे से सीख चुका है, यानी कि जो चम्मच हमने इसके अंदर डालकर खड़ी की है तो वो अच्छे से खड़ी हो चुकी थी, उसके अंदर वो गिर नहीं रही थी, उसका मतलब कि हमारा पूरन अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए, तो इस प्रकार से घी भी अंदर मैंने फिर से डाला थोड़ा सा, और फिर से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि ये पूरन पूरी है, पूरन पूरी अगर घी ना डाला तो क्या मज़ा ही आएगी उसे खाने में। तो घी तो अच्छे से इसके अंदर हम डालते हैं, लेकिन आप चाहो तो घी अवॉइड कर सकते हो, कम कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉपी सीड डाला, थोड़ा सा कार्डमम पाउडर डाला। फ्रेश कूट करके ही डालें तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर मिलेगा आपको। और फिर उसे अच्छे से हिला दें, और उसे हमने ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। मुझे
ज़्यादा जल्दी नहीं थी इसलिए मैं इसे बर्तन के अंदर रखती हूँ, लेकिन आपको जल्दी हो तो आप इसे दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लें। देखिए अभी हम हाथों में थोड़ा घी लगाकर उसके बाद इसके गोले बनाएंगे, बॉल्स बना लेंगे अच्छे से, ताकि एक साइज़ के बॉल बन जाए और हमारी पूरन पूरी एक साइज़ की बनकर तैयार हो। तो इसी प्रकार से सारे बॉल्स हमने रेडी कर लिए हैं और उसे हमने साइड पर रख दिए हैं। तब तक हम एक तरफ आटा लगा लेते हैं ताकि ऊपर का लेयर जो हमें बनाना है उसके लिए। 2 कप हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे मैदा यूज़ कर सकते हो या फिर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। स्वाद अनुसार थोड़ा सा यहाँ पे मैंने नमक डाला है, आप चाहो तो उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन नमक डालोगे तो स्वाद अच्छा आएगा। और फिर 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने मोयन के लिए ऑयल डाल दिया है। तो ये चीज़ें मैंने अच्छे से अंदर मिक्स कर ली है पहले। उसके बाद हम यहाँ पे पानी डालेंगे। पानी हम यहाँ पे जब भी डालें थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पानी जाता है। 1 कप पानी मैंने लिया है जिसमें से थोड़ा सा मैंने डालकर पहले अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, गूंथते जाएंगे अच्छे से। आटे को मसलना है यहाँ पे। ये जो है ना आटा मसलना और आटा लगाना, ये खास टिप्स है यहाँ पे। अगर आटा अच्छे से लचीला होगा तो ही आपकी पूरन पूरी अच्छी बन पाएगी, वरना वो फट जाएगी, मज़ा नहीं आएगी खाने में, देखने में और बनाने में। तो आटा अच्छे से लगाना है हमें, तो उसे अच्छे से धीरे धीरे से मसल कर हमें लगाना है। वैसे फ्रेंड्स आप लोग मेरी ये रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में बताए। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग पूरन पूरी बनाते हो कि नहीं ये भी मुझे ज़रूर से बताएं। और अगर आप बनाते हो पूरन पूरी तो कौन सी दाल यूज़ करते हो ये भी बताएं, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे व्यूवर्स क्या क्या यूज़ करते हैं और उन्हें क्या पसंद है। और आप लोग ये जो पूरन पूरी है मावे वाली पूरन पूरी बनाते हो कि नहीं ये भी मुझे बताएं। अगर आप वो मावे वाली पूरन पूरी देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में वो भी आपके लिए ला सकूं। और आप अगला वीडियो कौन सा देखना चाहोगे ये भी मुझे ज़रूर से बताएं, ताकि मुझे भी कुछ नया आइडिया आए, समझ में आए कि मेरे व्यूवर्स क्या क्या देखना चाहते हैं। देखिए आटा अच्छे से लग चुका है बातें करते करते। इस प्रकार से हमें आटा लगाना है, उसे रेस्ट पर हमें 10 मिनट के लिए कम से कम छोड़ना है। उसके बाद रेस्ट लेने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल डालना है और फिर अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें फिर से मसलना है, ताकि आटा एकदम अच्छे से लचीला हो जाए। उसके बाद ही हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो हमारा जो ये पूरन पूरी का आटा है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें से हम बहुत ही अच्छी पूरन पूरी बना पाएंगे। तो अच्छे से इसे मसलें, इसके अंदर मसलना मस्ट है, तो ये कभी भी मिस ना करें। उसके बाद हमने इसमें से भी फिर से गोले बना लेने हैं। तो अभी इसमें से मैं 12, 13 या 14 गोले बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनेंगे इसमें से। 2 कप आटे में से कम इतने ही बनेंगे, तो एक साइज़ के इक्वल बने इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और फिर साइड पर इसे मैं रख दूँगी, हाथों से इस प्रकार से बना दूँगी बॉल्स मसलते हुए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूरन के भी गोले बनाए हैं इक्वल साइज़ के, वो भी 12, 13 या 14 ही हुए हैं, उतने ज़्यादा नहीं हुए। आप चाहो तो इसे छोटा बनाकर और भी ज़्यादा बना सकते हो इसके अंदर से। तो मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, तो 12-13 ही हमारे बने हैं, लेकिन अगर आप इससे छोटा बनाओगे तो कम से कम आप 20 के जितना पूरन पूरी आप इसमें से बना पाओगे। देखिए डस्ट करना है आटे को और अच्छे से उसके बाद हमें ये बेलना है, रोटी के जैसा रोटी ही बना लेनी है समझ लो हमें। उसके बाद इसके अंदर हमने जो गोले बनाए थे वो एक गोला इसके अंदर हम फिल कर देंगे, और जैसे हम कचौरी भरते हैं बनाते हैं उसी तरह से इसे पैक कर देंगे, सील कर देंगे, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे, ताकि बीच के अंदर पार्ट में पूरा आटे वाला पार्ट हमें ना मिले और अच्छा हमें फिलिंग मिले उसके अंदर से। तो इसी प्रकार से हमने ये पूरन पूरी तैयार कर ली है। देखिए मैं आपको आगे दूसरी भी बनाकर दिखाती हूँ। ये एक बन चुकी है, इसे मैं साइड पे निकाल देती हूँ, अभी दूसरा भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो आप इसी प्रकार से पूरन पूरी आसान वे में फटाफट से बना सकते हो, बहुत ही ईजीली बन जाती है। अगर आप बिगनर्स हो ना तो भी अगर आप मेरे इस
मेथड से, इस मेजरमेंट से बनाओगे ना, तो गारंटी है मेरी आप फटाफट इजी वे में बना पाओगे और अच्छी से बना लोगे, और आपके घर वाले तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी पूरन पूरी आप बना लोगे। देखिए दूसरी रोटी भी बन गई, उसके अंदर मैंने फिलिंग रख दी और उसे भी मैंने अच्छे से कवर कर लिया और ऊपर का पार्ट कट कर लिया और फिर दबा दिया बीच में से, और फिर इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इतनी बड़ी रोटी नहीं बनाना चाहते तो थोड़ी छोटी बनाकर उसे फिर से कचौरी की तरह आप सील कर दोगे, तो आपको ऊपर का पार्ट जो एक्स्ट्रा निकलता है वो निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप पे डिपेंड है कि आपको किस प्रकार से उसे फिल करना है। तो मैं तो इस प्रकार से बनाती हूँ, तो मैंने यही तरीका आपको बताया। देखिए दो रोटी मैंने बना ली है, अभी दोनों को मैं सेक कर दिखाती हूँ। हाई फ्लेम पर पहले मैंने गैस को रखा था और तभी अच्छे से गर्म हो चुकी, तब हमने ये रोटी उस पर रख दी। देखिए और नीचे की साइड से थोड़ा थोड़ा बबल होने लगे तभी हमें इसे टर्न करना है, उससे पहले हमें इसे टर्न नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। देखिए और जब भी आप तभी गरम करें तो थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल या घी से ग्रीस कर दे, ताकि ये रोटी जो है उसके अंदर पहली होगी तो शायद चिपक सकती है। मेरा नॉनस्टिक है तो नहीं चिपका था, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल तवी है तो वो शायद चिपक जाएगी, तो आप उसे पहली बार ग्रीस कर ले थोड़ा सा, उसके बाद ही रोटी डालें उसके अंदर और दोनों तरफ अच्छे से सिक जाए। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे और घी से हम इस रोटी को सेकेंगे, जो बहुत ही फूली फूली अच्छी रोटी यानी कि पूरन पूरी हमारी बनकर तैयार होगी। देखिए आप देख सकते हो कितनी अच्छी इस बनी है ये पूरन पूरी हमारी, फूली फूली सी। इसे हमें साइड में दबाते हुए बनाना है ताकि अच्छे से फूल जाए ये रोटी। सारी की सारी पूरन पूरी हमारी इसी प्रकार से बनकर तैयार हो चुकी थी, तो मैंने सारी रोटियां इसी प्रकार से बनाई थी। इसमें से कम 12-13 रोटी बन चुकी थी मेरी, तो वो रोटी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। देखिए तो रोटी मैंने बनाई वही आपको पहले दिखा रही हूँ, बाद में मैं सारी रोटियां बना लूँगी और घी से ही मैं इसे सेकती हूँ। बाद में तो हम इसे घी में डुबो कर ही खाने वाले हैं, तो अभी तो पहले थोड़ा सा ही घी डालेंगे, बाद में घी में डुबो कर खाएंगे। वैसे आप चाहो तो इसे ऑयल में भी सेक सकते हो और घी में बनाओगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी, तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस में करना है। और दाल भी आप चाहो तो तुवर की जगह यहाँ पे चने की दाल यूज़ कर सकते हो। मेरा महाराष्ट्रियन लोग यहाँ पे चने की दाल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम गुजराती तुवर की दाल का ही यूज़ करते हैं, तो ये गुजराती रेसिपी ट्रेडिशनल है, तो मैंने आपको अपने तरीके से बताई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैंने तोड़ के भी दिखाया और घी में डुबो कर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। खाए बिना तो रह नहीं पा रही हूँ, लेकिन अभी इसे मुझे भोग लगाना है इसलिए मैं इसे खा नहीं पा रही हूँ। देखिए कितनी टेस्टी बनी है, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनी है ये पूरन पूरी, मुझे तो बहुत पसंद है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।